नॉर्मली पुरुषों में लिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए और चौड़ाई या गर्द कितनी होनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और ये भी बात करेंगे कि जानना ज़रूरी क्यों है। ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रिसर्च कहती है कि लगभग 50% 50% मेल्स जो हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका जो पीनिस है, जो लिंग है, वो छोटा है। आधे लोगों को ऐसा लगता है कि उनका लिंग छोटा है। सच्चाई ये है कि सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जिनका लिंग वाकई में एक नॉर्मल लेंथ से छोटा होता है। तो असल में सिर्फ 2% का है, लेकिन लगता 50% को है, मतलब बाकी के 48% बिना बात के ही परेशान हैं इस बात को सोच सोच के कि उनके लिंग की जो लेंथ है वो छोटी है। इसके लिए एक टर्म भी है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल पीनिस एंग्जाइटी, इस बात की एंग्जाइटी कि पीनिस छोटा है। कारण ये होता है कि लोग जो है, जो मेन हैं, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, उनके मन में ये थॉट हमेशा आता है, सबके मन में आता है कि उनका पीनिस नॉर्मल है कि नहीं है। लेकिन इसको आंसर करने के लिए वो करते क्या हैं, वो अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं पॉर्नोग्राफी से। वो पॉर्न देखते हैं, देखते हैं कि पॉर्नोग्राफी में जो एक्टर है उसका पीनिस का साइज़ कितना है, और फिर अपने आप का देखते हैं और उनको इस बात का यकीन हो जाता है कि उनका तो पीनिस बहुत छोटा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कई बार मेरे पास जब यंग बच्चे आते हैं और बोलते हैं कि सर पीनिस छोटा है और पॉर्नोग्राफी में तो बहुत बड़ा दिखा था हमें, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई वो जो पॉर्नोग्राफी में जो एक्टर जिसको देख के तुम आए हो, उसका बाकी का शरीर भी तो देखो। वो 6 फुट 5 इंच लंबा है, चौड़ा है, मस्कुलर है, ये वो है। तुमने बाकी शरीर छोड़ दिया, बस उसके पीनिस को नाप लिया और अपने पीनिस को उसे कंपेयर कर लिया। मतलब बाकी बॉडी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ पीनिस से फ़र्क पड़ता है। और ये गलत कंपेरिजन भी है क्योंकि वो एक्टर है, वो उसको रखा ही इसलिए उस इंडस्ट्री में क्योंकि उसके शरीर का कोई पार्ट बड़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल इंसान का पीनिस का साइज़ उतना ही होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक हमें डेटा पता होना चाहिए कि क्या है, ताकि हम एक फेयर कंपैरिजन कर पाएँ। अब काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, एक एक बहुत ही इस्टेब्लिश जर्नल है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड जर्नल है, जिसको हम बोलते हैं BJU इंटरनेशनल, ब्रिटिश जर्नल ऑफ यूरोलॉजी इंटरनेशनल। उसमें बहुत अच्छा आर्टिकल था जिसमें एक डेटा दिया गया था कि नॉर्मली डेटा पीनिस के साइज जो है उसका डेटा है क्या, और उसमें बताया गया था कि एक फ्लैसिड पीनिस, ऐसा लिंग जिसमें तनाव नहीं है नॉर्मली जो है, उसका जो साइज़ है वो वेरी करता है 2.3 इंचज से लेके 4.8 इंचज तक, 2.3 इंचज से लेके 4.8 इंचज तक। ये रही बात ऐसे लिंग की जिसमें तनाव नहीं है। अगर बात की जाए लिंग की तनाव के बाद, इरेक्शन आने के बाद, तो उसका साइज़ वेरी करता है 3.8 इंचज से 6.5 इंचज तक, 3.8 से लेके 6.5। और 95% जनता, 95% ऑफ मेन, उनका जो पीनिस का साइज़ है वो इसी रेंज में पड़ेगा और वो सब लोगों को नॉर्मल माना जाता है। सिर्फ 2% लोग हैं जिनमें हम पाया गया है कि लिंग का साइज़ सही में छोटा होता है, और इसको माइक्रो पीनिस कहा जाता है। माइक्रो पीनिस कहने के लिए 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये कि इरेक्शन के बाद, लिंग में तनाव आने के बाद, जो साइज़ है वो 7.5 इंच से, 7.5 सेंटीमीटर से कम हो, यानी कि 3 इंच से कम हो लगभग। और बिना इरेक्शन के अगर लिंग का साइज़ 1.5 इंचज से कम है, 1.5 इंचज से कम है, तब उसको माइक्रोपीनिस बोला जाता है। तो बिना इरेक्शन के 1.5 इंच से कम और इरेक्शन के बाद 3 इंच से कम, सिर्फ तब जाके माइक्रोपीनिस बोला जाता है। और ऐसे लोगों की जो परसेंटेज है वो सिर्फ 2% है। वैसे भी बिना इरेक्शन के जो साइज़ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कई लोग कहते हैं कि बिना इरेक्शन के पीनिस एकदम छोटा हो जाता है, तो वो छोटा हो भी जाएगा क्योंकि बिना इरेक्शन के पीनिस का मतलब पीनिस में ब्लड फ्लो नहीं है। जिस टाइम पे इंसान सेक्सुअली अराउज नहीं है, सेक्सुअल थॉट नहीं है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट नहीं है, तो जो खून है बॉडी उस खून को बाकी ऑर्गन्स में भेजती है, दिमाग में भेजती है, मसल में भेजती है, पीनिस में नहीं भेजती है, क्योंकि बिना किसी कारण के पीनिस में ब्लड भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए लिंग छोटा हो जाता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो इस बात की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि बिना इरेक्शन के पीनिस कितना बड़ा है, क्योंकि ब्लड का पूरा खेल है और ब्लड बॉडी वहाँ भेजेगी जहाँ पे ज़रूरत है। अच्छा, ये तो रही बात साइज़ की या फिर लेंथ की। अब बात करते हैं गर्थ की, जिसको चौड़ाई बोलना तो ठीक नहीं रहेगा। मान लीजिए एक पूरा, अगर आप सर्कमफेरेंस देखें, पेरीमीटर देखें, गर्थ जो होती है उसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, तो उसके लिए बोला जाता है कि जो फ्लैसिड पीनिस है, बिना इरेक्शन का जो पीनिस है, उसकी गर्थ 2.9 से लेके 4.3 इंचज के बीच में होती है, 2.9 से लेके 4.3 तक। और वहीं इरेक्शन होने के बाद जो आपका पीनिस की जो गर्थ है वो 3.77 से लेके 5.4 इंचज के बीच में होती है, 3.7 से लेके 5.4 तक।
अब आमतौर पे ये सब मेजर करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि अगर फंक्शनिंग ठीक है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम लड़के इस बात में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं और वो गलत सोर्सेज से अपने आप को कंपेयर करते हैं, तो इससे अच्छा कम से कम सही सोर्स से कंपेयर करिए तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सही मिलेगी। एक और कारण है कि 50% लोगों को लगता है कि उनके पेनिस का साइज छोटा है, वो है कारण ये है कि जब एक व्यक्ति अपना पेनिस खुद से देखता है तो आँखें ऊपर है, पेनिस नीचे है, तो जो एंगल बनता है वो एंगल इस टाइप से बनता है कि पेनिस का साइज़ छोटा लगने लगता है, देखने का भ्रम होता है, छोटा दिखता है। अगर आपको सही में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है अपने पेनिस के साइज को देखने का तो फिर आप शीशे के सामने खड़े होकर देखिए, क्योंकि जब आप शीशे में देखते हैं तो जो एंगल बनता है आँखों का वो एक नॉर्मल एंगल बनता है, उसमें सही चीज़ दिखाई देती है। जब आप ऊपर से अपने आप शरीर को देखने की कोशिश करते हैं तो जो एंगल बनता है उसकी वजह से भी दिक्कत होती है, कई बार इसको पैरालेक्स एरर बोला जाता है, बट आप आई थिंक इसका जो पीछे का लॉजिक है वो समझ गए होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि 95% जनता का पेनिस का साइज़ जो मैंने रेंज बताई उसके बीच में है, तो बिना बात के पेनिस के साइज़ को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, इंटरनेट पे जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लिंग का साइज़ लंबा हो जाएगा। ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसा कोई चूर्ण नहीं है, ऐसा कोई तेल नहीं है, ऐसा कोई पाउडर नहीं है जो कि लिंग के साइज़ को लंबा कर पाए। बिना बात के गलत प्रोडक्ट्स खरीद के अपना पैसा ख़राब मत करिए, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और ये कभी काम नहीं करते हैं। तो अगर सही में पेनिस का साइज़ किसी का सही में नॉर्मल से छोटा है और उसको बड़ा करना है तो उसे कुछ सर्जरीज होती हैं, बट मैक्सिमम लोगों में उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और उल्टे पुल्टी चीज़ें खरीद के और खा के अपना शरीर का नुकसान मत करिए। तो ये जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है सेक्सुअल सॉल्व्स का या फिर मी सॉल्व्स का, इसका एक ही पर्पस है, इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाना ताकि लोगों के मन में सेक्स को लेकर जो भ्रम हैं, भ्रांतियाँ हैं, वो ख़त्म हो सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इसका पार्ट बने तो इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, दोस्तों से बता सकते हैं, ताकि मैक्सिमम लोग समझ पाएँ कि सच्चाई क्या है और गलत चीज़ों में ना फंसें। धन्यवाद, शुक्रिया।